दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टैंक की वाटरप्रूफिंग कब स्टार्ट की जाती है और कैसे किया जाता है। यहाँ पर टैंक की वाटरप्रूफिंग हो रही है। इसमें टोटल जो है 4 कोटिंग यहाँ पे हो जा रहा है, ये फाइनल हो रहा है। आपको इसके पहले मैं वीडियो बताया था कि कैसे क्लीनिंग करना है और जो हमारा कोटिंग है कैसे स्टार्ट की जाती है, तो हमारे यहाँ पर फाइनल हो चुका है। मैं आपको बता दूँ कि टैंक की वाटरप्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप नया कंस्ट्रक्शन कराइए, आप उसमें तुरंत अपना वाटरप्रूफिंग करा दीजिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। अगर आप तुरंत कंस्ट्रक्शन के टाइम ही वाटरप्रूफिंग करा देंगे तो कभी भी आपके टैंक में सीलन लीकेज वगैरह नहीं बनेगा। अगर आप शुरू में नहीं कराते हैं तो बाद में चल के जब सीलन लीकेज बनने लगेगा और आपका जो बेसमेंट में टैंक होता है या छत के ऊपर कहीं भी होता है, वहाँ से पानी का रिसाव होने लगेगा और पूरा आपका एरिया ख़राब करने लगेगा, तो फिर आप उसके वाटर प्रूफिंग के बारे में सोचेंगे तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। आपको तरह तरह के लोग जो तरह तरह के ट्रीटमेंट बताएंगे, जैसे अगर टैंक अगर शुरू में नहीं कराया बाद में ख़राब हो गया तो फिर इसको पीयू ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। पीयू ग्राउंडिंग बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। जितना आपको टैंक बनाने में खर्च आता है उससे कहीं ज़्यादा पीयू ग्राउंडिंग में आप खर्च कर बैठेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कंस्ट्रक्शन के टाइम ही अपना जो है टैंक के वाटर प्रूफिंग करा लीजिए। मैक्सिमम 7 कोटिंग होती है, लेकिन कम से कम अगर 3 से 4 कोट कर दिया जाता है तो भी ठीक हो जाता है, सीलन लीकेज इसमें बनता नहीं है। और टैंक की वाटर प्रूफिंग जो होती है नए कंस्ट्रक्शन में बहुत ही बेहतरीन होता है। क्लीनिंग करके ठीक से उसके बाद 3 से 4 कोट कर दिया जाता है। जो अब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। कंपनी की जो सर्विस है पूरी दिल्ली इंडिया में अवेलेबल है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कंपनी की सर्विस अवेलेबल है। टैंक जो है इसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है सीमेंटेटियस प्रोसेस के तहत ही किया जाता है। कंपनी का जो सर्विस हमारी है इसमें जो है बिल्डिंग के जो भी एक वाटर प्रूफिंग होती है, टैंक हो गया, बेसमेंट रूफ, आपका टेरेस, बालकनी, स्विमिंग पूल वगैरह सब जो है ये वाटर प्रूफिंग का काम कंपनी करती है। तो टैंक आप जब भी बनवाइए उसमें अपना वाटर प्रूफिंग का काम जरूर कराइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।